हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त द्वारका प्रसाद और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूरोप में पुनर्जागरण। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो हिस्ट्री नेट और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड एसएसटी और इसके अलावा रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। और इसके साथ साथ ये कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनका हिस्ट्री विषय है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का ये वीडियो YouTube का सबसे टॉप वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम ट्रिक के माध्यम से विश्व इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इस श्रृंखला का पार्ट फर्स्ट है और जब तक ये पूरा चैप्टर नहीं हो जाएगा, इसके अलावा हम सारे जितने भी पार्ट बनेंगे वो सारे बनाएंगे। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण जो हुआ वो इटली में हुआ था, इटली में ही क्यों हुआ उसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। ये तीनों जो टॉपिक है आज के हमारे इस वीडियो के रहने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण क्या है इसको समझने के लिए हम चलते हैं जिस प्रकार हमारे भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसी प्रकार ये पुनर्जागरण यूरोप के मध्य युग की घटना है और ये हुई थी 6वीं से 15वीं शताब्दी तक। इस दौरान क्या हुआ था, जो बौद्धिक प्रगति है और वैचारिक स्वतंत्रता का मार्ग वो बिल्कुल एक तरह से अवरुद्ध हो चुका था। मतलब हर जगह धर्म का बोलबाला था, कुरीतियां रूढ़िवादिता छाई हुई थी और किसी भी प्रकार का मानव स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं करता था। सब चीजें पहले से ही जो बनी बुनाई थी उसमें विश्वास करता था, यानी बौद्धिक प्रगति एक तरह से रुकी हुई थी। तो इस प्रकार जो मध्य युग था उसको पिछड़ेपन और अंधकार का पर्यायवाची माना जाता था। यानी मध्य युग में इस प्रकार की बौद्धिक चेतना नहीं थी, वैचारिक स्वतंत्रता का मार्ग बाधित था, इस कारण इसको पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता था। और इतना ही नहीं, मध्य युग में जो मेहराबदार भवन निर्माण की जो स्थापत्य शैली थी उसको गोथिक अथवा जंगली शैली भी कहा जाता था। यानी मध्य युग को एक तरह से अंधकार और पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता था। दोस्तों, अब जानते हैं, ये तो हमने पृष्ठभूमि की बात की, अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पुनर्जागरण का अर्थ। देखिए, पुनर्जागरण अंग्रेजी भाषा में जो पुनर्जागरण है उसको अंग्रेजी में रिनेसा कहते हैं। रिनेसा एक फ्रेंच शब्द से बना है। देखिए, पुनर्जागरण अंग्रेजी के रिनेसा से बना है और रिनेसा मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के फ्रेंच शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं की गई, यानी यूरोप का जो मध्य युग था उसमें लोग किसी प्रकार की उनमें चेतना नहीं थी, धर्म का बोलबाला था, किसी प्रकार का स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते थे। बाद में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके बाद तर्क, जिज्ञासा और शिक्षा के आधार पर जो बदलाव हुए उनको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में अभी और आगे हम जानने वाले हैं, सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये जो पुनर्जागरण है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे इटालियन लेखक वेशारी। पुनर्जागरण यानी जिसको रेनेसा भी कहते हैं अंग्रेजी में, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इटालियन लेखक वेशारी के द्वारा किया गया था। और वेशारी ने इसका प्रयोग किया था भवन निर्माण और मूर्तिकला के संदर्भ में जो परिवर्तन आ रहे थे उनके लिए ये रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो याद रहे, इटालियन लेखक वेशारी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और वेशारी ने किस संदर्भ में किया था, भवन निर्माण और मूर्तिकला के क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे थे उन परिवर्तनों को समझाने के लिए रेनेसा शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसके अलावा रेनेसा शब्द का ही प्रयोग और दिद्रो के द्वारा भी किया गया था, लेकिन दिद्रो ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था कला और साहित्य के नवसृजन हेतु, जो नया नवसृजन हो रहा था साहित्यों का, उनके लिए दिद्रो ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो भवन निर्माण और मूर्तिकला के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे थे उनके लिए प्रयोग किया था रेनेसा शब्द का, किसने किया था, इटालियन लेखक वेशारी के द्वारा। और दूसरा, कला और साहित्य के लिए जो प्रयोग किया था दिद्रो ने किया था। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बात करते हैं पुनर्जागरण का जो अर्थ है, मुख्य रूप से कौन कौन से बदलाव हुए जिनको हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। यानी मध्य युग की जो सामंती व्यवस्था थी उसका पतन हो गया और इसके अलावा राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष होने लगा, जो राजा महाराजा और सामंतों के जो
तीजा थी वो बदल गई, सामंतु का पतन हो गया, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, छापा खाने का आविष्कार होने लगा और इसके अलावा चर्च के प्रभुत्व से मुक्ति मिल गई, नए व्यापारिक मार्गों की खोज और अभिव्यक्ति की आजादी। ये सभी घटनाएं मध्य युग को पुनर्जागरण से अलग करती है। देखिए कौन कौन सी, सामंती व्यवस्था का पतन, जो पहले सामंती व्यवस्था थी उसका पतन हो चुका था, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, पहले जो कुलीन और सामंती या चर्च का बोलबाला था उसकी जगह पर राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष हुआ था, छापा खाने का आविष्कार, पहले लोग चर्च तक ही सीमित थे, चर्च जैसे बताता था, ईसाई धर्म की जो व्याख्या करता था वहां तक ही सीमित रहना पड़ता था, लेकिन छापे खाने का आविष्कार होने से लोग चर्च के प्रभुत्व से मुक्त हो गए, हर व्यक्ति के पास प्राचीन साहित्य पहुंचने लगा और चर्च के प्रभुत्व से मुक्ति, जहां पहले चर्च का प्रभाव होता था उसी प्रकार ये जो पुनर्जागरण है इसमें चर्च के प्रभाव से मुक्ति मिल गई, लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे, चर्च के आडंबरों से दूर होने लगे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज और अभिव्यक्ति की आजादी। पहले व्यक्ति बोल नहीं सकता था, हर प्रकार से धर्म के प्रभाव से जकड़ा हुआ था, उसकी जगह पर अब अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई। इन सभी बातों को, ये जो सभी बातें हैं ये पुनर्जागरण को परिभाषित करती है, यानी पुनर्जागरण जो पहले रूढ़िवादिता थी, मानव स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकता था और चर्च का प्रभाव था, उन सभी बातों की को हटकर की जगह पर दूसरी जो ये बातें हुई थी, ये जो आपको सामने दिख रही, मेरे पीछे दिख रही है, ये सभी पुनर्जागरण को परिभाषित करती है। आइए और जानते हैं, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, देखिए यूरोप में हुआ और यूरोप में भी सबसे पहले इटली में हुआ था। अब ये जो इटली है, इटली में ही पुनर्जागरण का प्रारंभ क्यों हुआ था, कौन कौन सी बातें थी जिसके कारण इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। तो पहली बात है, इटली प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था। देखिए हम सब जानते हैं रोम की जो सभ्यता थी, इटली रोम का एक नगर है और इटली के रोम में पहले से ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मौजूद थे, जिसके कारण पहले से ही वहां का गौरवशाली अतीत रहा था, जिसके कारण हुआ। दूसरा टॉपिक देखें तो जो दूसरा कारण था, यूनानी विरासत का प्रभाव। इटली में जो पुनर्जागरण हुआ उसके पीछे यूनानी सभ्यता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, जिसके कारण बहुत से विद्वान कुस्तुनतुनिया से चलकर रोम नगर में रोम इटली में शरण लेने के लिए आए थे और इस कारण जो इटली है उसके लोगों में जागृति आई। इस कारण जो फिशर है, देखिए आप ये दिख रहा है मेरे पीछे, फिशर ने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत का, क्योंकि जो यूरोप में पुनर्जागरण यानी इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके पीछे यूनान का बहुत बड़ा योगदान था, इस कारण जो यूरोप है यूरोप को यूनान की विरासत कहने वाले थे फिशर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि यूरोप को यूनान की विरासत किसने कहा, तो फिशर ने कहा। और इसके अलावा यूनान के जो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे मैनुअल क्राइसोलेरस, इन्होंने इटली के नगरों में भाषण दिए और इसके अलावा ये फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में यूनानी क्लासिक्स के आचार्य पद का भी ग्रहण किया। इस कारण जो यूनान है, यूनान का महत्वपूर्ण प्रभाव इटली पर पड़ा, तो जिस कारण भी इटली में पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। तो दो पॉइंट देखे हमने, प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था इटली, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, तो प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र होना, दूसरा यूनानी विरासत का प्रभाव, और तीसरा हम देखें व्यापार का प्रधान केंद्र जो इटली है, इटली के जो नगर थे वहां पर मुख्य रूप से व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके कारण व्यापार में समृद्धि आई और समृद्धि आने से मध्यम वर्ग का उदय हुआ और मध्यम वर्ग का उदय होने के कारण मध्यम वर्ग ने अपने धन के बल पर चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया और स्वतंत्र चिंतन की प्रकृति उनमें उत्पन्न हुई। इस कारण इटली में पुनर्जागरण हुआ। इसके साथ साथ जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि होती गई नगरों का भी विकास होता गया, जैसे मिलान है, मिलान जो हमारा देखते हैं, मिलान के बाद फ्लोरेंस है, विभिन्न प्रकार के जो नगर है उनका विकास व्यापारिक समृद्धि के कारण ही हुआ। और इसके अलावा पूर्व में जो बाइजेंटाइन सभ्यता थी उससे भी इनका संबंध रहा और इसके साथ साथ बहुत सारे विद्वान भी इटली में हुए थे, जो जैसे हम दांते हैं, हम देखें तो मेकिया दांते हैं, और इसके अलावा दांते के साथ साथ बहुत सारे जो विद्वान थे जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन सब का प्रभाव था। इस कारण इटली का जो फ्लोरेंस नगर है उसको विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है
कि इटली के किस नगर को, या यूं पूछा जा सकता है किस नगर को विद्वानों का नगर कहा जाता है, जो कि फ्लोरेंस को कहा जाता है, मेक्यावली है, दांते है, माइकल एंजेलो है, विभिन्न प्रकार के जो विद्वान थे इटली के, उन सब का जन्म ज्यादातर लोगों का फ्लोरेंस में हुआ था, इस कारण फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर कहा जाता था। तो ये सभी कारण थे जिनके कारण इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है केवल एक, ज्यादा और बड़ा नहीं हो इसलिए यहाँ तक ही आज इसको हम सीमित करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, प्लीज कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय।